सर अभी हाल में ही एक वाक्या हुआ था जालौन में, जिसमें एक युवक ने मियामी एयरपोर्ट को उड़ाने के, उसके बाद से कई युवक हैं जो इंटरनेट के गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर सर आप किस तरह से मतलब कि एक कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि बच्चों में उत्सुकता की मूल प्रवृत्ति होती है, वो नया कुछ जानना चाहते हैं, नया पढ़ना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये बच्चों की मूल प्रवृत्ति होती है। आज से 10 साल पहले उसको ये सब करने के लिए किताबें पढ़नी होती थीं, कुछ प्रैक्टिकल्स करने होते थे, कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ उठना बैठना होता था। लेकिन आज की जो सोशल मीडिया की स्थिति है, जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी जानकारियाँ नेट पर उपलब्ध हैं, उसके लिए उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्मार्टफोन पर बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करता है जो उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान उसे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो उसका युवा मन एक चैलेंज की तरह करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है, बिना ये सोचे समझे कि ये चीज़ लीगल है या नहीं है। इसलिए ये खतरनाक साबित होता है। जैसा आपने अभी एक उदाहरण दिया कि किन परिस्थितियों में, विचार करने की बात है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। इसके लिए हम चाहते हैं कि न केवल जालौन के निवासी बल्कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। और ऐसे में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी यहाँ बच्चों को स्कूल के माध्यम से और अभिभावकों के माध्यम से काउंसलिंग करवाएंगे और एक तरह से गाइडलाइन जारी करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि बच्चों में इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के प्रति उनको सजग किया जाए, उनको रोका जाए। वरुण द्विवेदी, ETV, जालौन।